नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एचएस न्यूज। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट संसद में आज पेश कर दिया। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। उन्होंने अपने इस बजट में कोशिश की है कि वो हर तबके को कुछ ना कुछ खास दे सकें। उन्होंने कोशिश की है कि वो सबकी उम्मीदों पे खरा उतर सकें, इसीलिए उन्होंने कई नई योजनाओं की घोषणा करी। तो कहीं वो उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव करे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने आखिर अपने इस बजट में क्या क्या खास लेकर आई हैं, टैक्स स्लैब में किस तरह का उन्होंने बदलाव किया है। जब उन्होंने बजट का भाषण शुरू किया तो उन्होंने शुरू करते हुए कहा कि मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला। उन्हें पूरी विनम्रता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश का हर नागरिक की उम्मीदों का बजट है ये। उन्होंने कहा कि हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का ये बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लेकर आई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, महंगाई काबू में है, बैंकों में भी सुधार हो चुका है। ये सब उन्होंने बजट भाषण शुरू करने से पहले कहा था। वो आगे कहती हैं कि GST इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने GST पर बात करते हुए अरुण जेटली को भी याद किया। उन्होंने कहा इसके मुख्य रचयिता आज हमारे बीच में नहीं है, हम अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हैं। वो कहते थे कि भारत भारत ही रहेगा जब केंद्र और राज्य साझा खुशहाली के साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। GST काउंसिल के बीच आम सहमति ये बताती है कि भारत राष्ट्रहित के लिए मतभेदों को भुला सकता है। Its chief architect is not with us today. I pay homage to the visionary leader, late Sri Arun Jaitley. At the time of rollout of GST, he had said, and I quote, It will be an India where the center and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the nation's interest. With the GST, neither the state nor the centre loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes. Unquote. वैसे तो उन्होंने अपने भाषण में कई नई योजनाओं का ऐलान किया, कई सारे ऐलान किए, लेकिन निर्मला सीतारमण के इस बजट में जो सबसे खास रहा है वो टैक्स स्लैब रहा है, जिसमें उन्होंने कई तरह के बदलाव किए हैं और करदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करी है। सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नए टैक्स का स्लैब का ऐलान किया है। बजट में सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कटौती की है। ऐलान के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% टैक्स देना होगा। अभी तक यह दर 20% तक था। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। वहीं 10 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 20% रखी गई है, जो कि अभी तक 30% तक थी। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आयकर की दर 25% तय की गई है। 15 लाख रुपए से ज़्यादा की आय पर टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्हें 30% तक आयकर ही देना होगा। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा इनकम टैक्स में सुधार विकास को गति देने के उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स में राहत के चलते सरकार को 48,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई आयकर दरें वैकल्पिक होंगी।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है, बिजली उत्पादन कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सॉवरेन वेल्थ फंड्स से निवेश पर भी सरकार ने टैक्स में पूरी तरह से छूट दी। नई कंपनियों के लिए टैक्स 15% किया गया है, पुरानी कंपनियों के लिए 22% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर में 100 में से 70% की कटौती और छूट संबंधी नियम हटा दिए गए हैं। नई कंपनियों के लिए टैक्स 15% किया गया है, पुरानी कंपनियों के लिए 22% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर में 100 में से 70% की कटौती और छूट संबंधी नियम हटा दिए गए हैं। सीतारमन ने बताया कि ऐसा देश के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद टैक्स हॉलिडे के दौरान बिल्डर द्वारा लाभ पाने की समय विधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स की समय सीमा घटाकर 22% कर दी गई है, जिसमें सरचार्ज और सेस भी शामिल है। पहले यह दर 30% थी। निर्मला सीतारमन ने बताया कि पैन कार्ड्स आधार के साथ ऑनलाइन तुरंत ही वितरित हो जाएंगे, यानी अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आसान हो गया है। निर्मला सीतारमन के इस बजट ने भले ही सबका ध्यान रखा गया हो, हर तबके को कुछ ना कुछ दिया गया हो, हर तबके की उम्मीद को पूरा किया गया हो, लेकिन निर्मला सीतारमण के इस बजट ने शेयर मार्केट का मूड पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। इस बजट के आने से पहले ही सुबह शेयर मार्केट गिरावट के साथ खुला था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तेज़ी के साथ हरे निशान पर कारोबार करने लगा। मगर जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया, बाज़ार में हाहाकार देखने को मिला और बाज़ार गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करने लगा। बाज़ार में 3 बजे के करीब सेंसेक्स में 850 अंक की गिरावट यानी 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी में हमें 250 अंक की गिरावट देखने की मिली, जो कि 2% से ज़्यादा तक की गिरावट है। जहां सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 39,000 पर कारोबार करने लगा, वहीं निफ्टी 11,900 से लुढ़क कर 11,700 पर आकर कारोबार करने लगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।